दोस्तों, क्या आप अपने प्ले स्टोर से कोई ऐप या फिर कोई गेम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपका प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है, उससे कोई भी ऐप या फिर गेम डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो फिर आज के इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्ले स्टोर काम न करे, उससे कोई भी ऐप या फिर गेम डाउनलोड ना हो, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, यहां से हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर को। तो यहां पे जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, तो यहां पे इस तरह से आता है और यहां पे आगे ट्राई अगेन पे क्लिक कर देने के बाद भी इस तरह से ही आता है, यहां पे प्ले स्टोर मेरा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में इस तरह का आ रहा है, तो फिर आप कैसे ठीक कीजिएगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ओपन कीजिएगा अपने फोन की सेटिंग्स को। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का। हो सकता है आप में माई एप या फिर मैनेज एप लिखा हुआ आए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मैनेज एप पे। मैनेज एप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी फ़ोन की इंस्टॉल्ड सभी एप यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्लिक करना होगा इस तीन बिंदु पे और इसके बाद शो ऑल एप पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा इस सर्च बॉक्स में, यहाँ पे आपको लिखना होगा गूगल प्ले। यहाँ पे आप गूगल प्ले लिखिएगा और यहाँ पे जैसे आप गूगल प्ले लिखिएगा, तो यहाँ पे दो ऐप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे टिक नहीं है, तो आप टिक करके आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आप क्लियर ऑल डाटा और इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन ना मिले, तो यहाँ पे स्टोरेज का एक ऑप्शन आएगा, स्टोरेज पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा क्लियर डाटा और उसके बाद मैनेज स्पेस, फिर से आपको क्लिक कर देना होगा क्लियर ऑल डाटा। तो यहाँ से अब हम क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके इसका डाटा क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से करने से कोई भी फोन की डाटा डिलीट नहीं होंगी। अब आपको आ जाना होगा बैक। अब आपको क्लिक करना होगा गूगल प्ले सर्विसेज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा क्लियर डाटा और मैनेज स्पेस पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको क्लिक करना होगा क्लियर ऑल डाटा और इसके बाद डिलीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी कोई भी फोटोज वीडियो डिलीट नहीं होने वाली है इस तरह से करने से। अब यहाँ से आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसे कट कर देना होगा और एक बार आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से आप ओपन कीजिएगा प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर जब आप ओपन कीजिएगा, तो आपकी प्ले स्टोर की सारी सेटिंग डिलीट हो जाती है, आपकी प्ले स्टोर एकदम से नया के जैसा हो जाता है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे प्ले स्टोर यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है और यहाँ से अब आप चाहें तो कोई भी ऐप या फिर कोई भी गेम को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करें और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये डाउनलोड होने लगा और प्ले स्टोर काम कर रहा है।